हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। कहता है कि अगर आर कोई रिंग है और एन उसकी कोई आइडियल है, ठीक है, तो इस मैपिंग के लिए आर टू आर बाई एन, ठीक है, ये आपका कोशिएंट रिंग है, देख रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, एफ जो होगा हमारा वो होमोमॉर्फिज्म होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, या शॉर्ट में ये बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज जो मेरा रिंग आर है वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, दिस कोशिएंट रिंग के, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से एग्जाम में आता है और एक अच्छा रिजल्ट भी है, तो इसको आप अच्छे से लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिफाइन तो किया हुआ है, तो वी डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एन। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई आर का एलिमेंट ले लेंगे, सपोज करिए एक्स लेते हैं, ठीक है, तो हमको इसका इमेज किसे मिलेगा, इस कोशिएंट रिंग में मिलेगा, इसका एलिमेंट कैसा होगा, x प्लस एन इस फॉर्म का होगा, ठीक है, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके चलिए। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेटली f क्या है, वेल डिफाइन है, क्लियरली आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्लियरली f इज वेल डिफाइन, ठीक है, अगर इसको आपको दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं, ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा क्या, टू शो एफ इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। इसको दिखलाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोई भी रिंग का दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और हम लोग ये दिखाएंगे कि उसका इमेज भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो लेट कंसिडर एनी टू एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिंग आर, ठीक है, सच दैट के दोनों एलिमेंट मेरा क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल है तो यहाँ से आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बाय कैंसिलेशन लॉ भी इसको आप बोल सकते हैं कि अगर हम जो है कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम जो है दोनों तरफ ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, फिर ऐसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई अगर मेरा ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस कैपिटल n इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस n, ठीक है। ध्यान दीजिए चूंकि मेरे को जाना है इमेज की तरफ, ठीक है, मेरे को जाना है इमेज की तरफ, और इमेज मेरा किस फॉर्म में डिफाइंड है, इस फॉर्म में डिफाइंड है, ठीक है, तो इमेज को अच्छे से देखिए, और इमेज की तरफ जाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर ये चीज़ होगा, और ये आप कर सकते हैं, दोनों तरफ n लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्या कि n जो है आपका आइडियल है, ठीक है, तो n अगर आइडियल है तो n तो मेरा डेफिनेटली n के पास में जीरो होगा, और अगर जीरो n के पास में है तो हम लोग जो है ये फैक्टर रिंग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऐसे में जीरो प्लस n को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको n मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को ये ध्यान देना है कि हम इस जीरो प्लस n को क्या लिख सकते हैं, वापस से n लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फिर ऐसे करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग इसको, n लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अगर ये चीज़ हो गया, यहाँ पे भी देखिए जो दोनों तरफ हम n ऐड किए हैं ना, तो वो भी कैंसिलेशन लॉ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई मेरा क्या है, वो n को बिलोंग करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग फैक्टरिंग से जानते हैं क्या होता है कि अगर x प्लस n इज इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो n को बिलोंग करता है, अगर x जो है n का मेंबर है तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पूरे को मैं n लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है x माइनस वाई वो क्या है, वो n का मेंबर है, ठीक है, तो x माइनस वाई आपका n का मेंबर आ गया। अच्छा अब देखिए अब यहाँ से हम इसको डेफिनेटली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस n क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा y प्लस n हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है हमारा फैक्टरिंग का कि अगर ये x माइनस वाई n का मेंबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो क्या आ जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आ जा रहा है आपका ये एफ वाई, आप कह सकते हैं यूजिंग आवर डेफिनेशन वन, ठीक है। तो हम लोगों ने दो जो है लिया था एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग इमेज भी क्या आ गया, इक्वल आ गया, देयरफॉर हमारा
इफ क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखिए इसको आप वन वन दिखाना चाहते हैं तो यहीं पे आपका वन वन भी दिख जाएगा बाय डबल इम्प्लीकेशन। मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डबल इम्प्लीकेशन देते जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा कि करस्पॉन्डिंग इमेज अगर इक्वल है तो उसका जो आपका एलिमेंट है वो भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वन वन भी दिखा सकते हैं, तो आप यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बाय टेकिंग रिवर्स इम्प्लीकेशन, यानी हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है, रिवर्स इम्प्लीकेशन वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, हम लोग ये पाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ वाई लेके चलते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा। देयरफॉर आप यहीं पे कह सकते हैं कि एफ मेरा क्या है, वो वन वन है, ठीक है। तो वन वन वाला जो टेंशन था वो यहीं पे दूर हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमको दिखाना है क्या है कि एफ मेरा ऑन टू है, ठीक है, वो थर्ड वाला चीज़ दिखा देते हैं, क्या एफ इज़ ऑन टू, तो ये भी दिखाना काफ़ी देखिए आसान है। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना होता है, तो हमको इसके लिए करना होगा फॉर वी हैव टू शो फॉर एनी एलिमेंट ओके एक्स प्लस एन बिलोंग्स टू आर बाई एन। देखिए ये जो मेरा फैक्टर रिंग है, फैक्टर रिंग का कोई भी एलिमेंट कैसा होता है, इसी फॉर्म का होता है। तो मेरा कोई भी जो फैक्टर रिंग का जो एलिमेंट होगा उसके लिए मेरे को क्या मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कह लीजिए कि जो इमेज होगा, ये इमेज ही है एक्चुअली, ठीक है, मेरा जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से, तो कोई भी जो इमेज है उसके लिए मेरे पास प्री इमेज होना चाहिए, यही ना ऑन टू का डिफिनेशन है। तो किसी भी एलिमेंट x प्लस एन बिलोंग्स टू आर बाई एन के लिए, ठीक है, मेरे को देयर एग्जिस्ट क्या, हमको x मिलना चाहिए बिलोंग्स टू आर सच दैट के क्या हो, कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो मेरा, x प्लस एन हो, ठीक है। और ये तो है ही जैसा हम लोगों ने डिफिनेशन किया है, ठीक है, तो विच इज़ ट्रू, ये तो मेरा करेक्ट है, इसलिए कि हम लोगों ने यही डिफाइन किया है, ठीक है, एज बाई वन। इक्वेशन वन को देख लीजिए, इक्वेशन वन में देखेंगे तो यही चीज़ तो हम लोगों ने लिया था, तो ये हमारा करेक्ट है। देयरफॉर आपका एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो वन वन और ऑन टू तो आपने आसानी से दिखला लिया, ठीक है। अब आपका जो एक काम बच गया है वो बच गया है होमोमोर्फिज्म, ठीक है, तो एल्सो एफ इज़ होमोमोर्फिज्म, ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं होता इसके लिए, क्या करना होता है, ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, x एंड y बिलोंग्स टू R, ठीक है। अच्छा, और फिर हम लोग देख लेते हैं नंबर ए कि f x प्लस वाई का वैल्यू क्या आता है, ठीक है, तो f x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एन आ जाएगा बाई यूजिंग डेफिनेशन वन, बाई यूजिंग आवर डेफिनेशन वन, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एन, ठीक है, और y प्लस एन करके, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोशियंट बोल सकते हैं या फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, कोशियंट, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब x प्लस एन को आप देखिएगा तो इसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं और एफ वाई प्लस एन को आप एफ वाई लिख सकते हैं, तो एडिशन वाला काम तो हो गया। अगर आप मल्टीप्लीकेशन वाला लेंगे, x इंटू वाई को देखेंगे तो ये आप लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस एन, ठीक है, बाई डेफिनेशन वन, ठीक है। और फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एन इंटू वाई प्लस एन, अगेन दिस इज बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग एंड विच इज सिंपली एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो हमारा ये होमोमोर्फिज्म भी दिख गया, तो आपका जो टास्क है वो पूरा हो गया, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आप बस लास्ट में लिख देंगे हेंस, क्या इसका मतलब ये है कि जो r है वो एक्चुअली क्या है, वो वन वन है, ठीक है, और ऑन टू है किसके साथ में, r बाई n के साथ में विथ होमोमोर्फिज्म। देयरफॉर क्या है कि r जो है हमारा वो आइसोमोर्फिक हो जाएगा r बाई n के। इस तरह का देखिए थ्योरम को प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है, सिर्फ लिखना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू वेरी मच।